मंदिर है, ये साउथ इंडियन शैली का बना हुआ वृंदावन में इकलौता मंदिर है। ये अकेला ऐसा मंदिर जो साउथ इंडियन शैली में बना हुआ है। वृंदावन में आज 5,500 मंदिर हैं और इस मंदिर में जो सेवायात जो पुजारी हैं सारे साउथ इंडियन हैं। राधे राधे, तो हम हैं वृंदावन में जिसे कृष्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पर वृंदावन की एक और खासियत है और वो है ये मंदिर जिसका नाम है श्री रंगनाथ टेम्पल। तो आखिर एक साउथ इंडियन टेम्पल वृंदावन में कैसे, वृंदावन साउथ इंडियन टेम्पल के नाम से क्यों जाना जाता है? हमारी मुलाकात दिनेश नाम के एक पुरोहित से हुई जो मंदिर में रहते हैं और मंदिर की सेवा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक साउथ इंडियन टेम्पल वृंदावन में कैसे और क्यों वृंदावन इस रंगनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस टेम्पल के बारे में नई बातें जानते हैं। ये रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये साउथ इंडियन शैली का बना हुआ वृंदावन में इकलौता मंदिर है। वृंदावन में आज 5,500 मंदिर हैं जो सारे के सारे आपको कृष्ण भगवान के देखने को मिलेंगे, जो भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा मंदिर जो साउथ इंडियन शैली में बना हुआ है। इसमें 7 दरवाजे हैं, 7 सोने के कलश, अंदर में सोने का खम्भा लगा हुआ है और जिस नाम से जाना भी जाता है। एक दो नाम है मंदिर के, पहला नाम रंगनाथ जी का मंदिर और रंगनाथ साउथ में विष्णु को बोलते हैं तो विष्णु जी का ये मंदिर है, और दूसरा नाम है सोने के खंभे वाला मंदिर, वो गोपुरम द्वार बोला जाता है। ये मंदिर का तीसरा द्वार है गोपुरम, जो सारा साउथ इंडियन शैली को मिला। और इस मंदिर में जो सेवायात जो पुजारी हैं सारे साउथ इंडियन हैं। ये पद्मनाभम स्वामी जी ऐसे 284 पिलर हैं, ये पद्मनाभम स्वामी जी का दर्शन है। शेष नाग की जो सैया पे जो शयन कर रहे हैं लेटे हैं रंगनाथ विष्णु भगवान लेटे हुए। घूमते घूमते मंदिर के अंदर हमें एक नया दरवाज़ा मिला और हमें पता चला कि ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है। तो आइए जानते हैं कि इस दरवाजे की क्या मान्यता है और क्यों ये साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। ये मंदिर का 8वां दरवाज़ा बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मंदिर में 7 दरवाजे हैं जो प्रतिदिन खुलते हैं, ये 8वां है जो साल में केवल एक बार और केवल 1 या 1.5 घंटे के लिए खुला जाता है। अभी अंदर की हम मेन मूर्ति का दर्शन करेंगे, उस मूर्ति को सोने की पालकी पे विराजमान करवाते हैं और इस गेट से बाहर निकालते हैं। क्योंकि यह है वैकुंठ दरवाजा जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है 1 घंटे के लिए। आइए मंदिर की और नई खास बातें जानते हैं। ये आपने देखा ये सोने के खम्भे के नाम से जाना जाता है, मगर ना ये ठोस है और ना ही ये प्योर है। ये जाना जाता है सोने खम्भे के नाम से, मगर इसको साउथ में गरुण स्तंभ बोलते हैं, गरुण जी का ध्वज। मगर ये पंच धातु है, पंच धातु में सोना चांदी तांबा पीतल कांसा, लेकिन सोने की मात्रा ज़्यादा है इसलिए सोने खम्भे के नाम से जाना जाता है, मगर है ये गरुण ध्वज। इस मंदिर की अगली जगह हम आपको दिखा रहे हैं, वो है शीश महल। तो शीश महल में भगवान का श्रृंगार होता है और ये पूरा शीशे का बना हुआ है इसलिए इसका नाम शीश महल। ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं ये वही इमारत है जिसमें वो मूर्ति रखी हुई है जिसको लेकर वाहन घर से वाहन निकलते हैं और वो वैकुंठ के दरवाजे से बाहर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसी है वो मूर्ति और उसके दर्शन करते हैं। ये है वो मंदिर की मूर्ति जिसे वाहन घर के वाहन पर ले जाकर वैकुंठ द्वार से निकाला जाता है। तो आइए यहाँ के पंडित जी से जानते हैं कि आखिर इस मूर्ति की विशेषता क्या है। जी पंडित जी, आप बताएंगे इस मंदिर की विशेषता क्या है? लक्ष्मीचंद जैन ने मथुरा वाले सेठ ने और रंगाचार्य गुरु थे मद्रास, उनको दान कर दिया बनवा के। उनके बच्चे नहीं थे, 60 साल बच्चा हुआ उस खुशी में बनवा के दान कर दिया। ये अच्छा, ये जो अंदर मूर्ति रखी हुई है ये किसकी मूर्ति है? ये विष्णु भगवान लक्ष्मी जी गरुड़ जी। अच्छा, तो इसी को वाहन घर के वाहनों से लेकर वैकुंठ द्वार से निकाला जाता है? हाँ, इन्हीं को वैकुंठ द्वार से निकाला जाता है। जी धन्यवाद। ये जो आप हमारे सामने मूर्ति देख रहे हैं श्रीनिवास जी की, ये आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीपति बालाजी का विग्रह है। मंदिर से निकलते वक्त हमें एक कुंड दिखा और ये कुंड रहा ये। तो ये देख रहे हो, ये है गजेंद्र मोक्ष कुंड। इस कुंड में गज और ग्रह की लड़ाई करवाई जाती है, लकड़ी का हाथी और लकड़ी का मगरमच्छ। जो एक लीला हुई थी और हाथी और मगरमच्छ का पैर पकड़ लिया गया था मगरमच्छ के द्वारा हाथी का, तो उस पैर को छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु जो आए, वैसी एक लीला इलेक्ट्रिक रूप से यहाँ पर करवाई जाती है। वहाँ पे आज भी भगवान विष्णु गरुड़ देव पे विराजमान होके आते हैं। जो अंदर में आपने जो वाहन देखा गरुड़, और जो मेन मूर्ति जो अभी दर्शन की है विष्णु जी के, वो मूर्ति को विराजमान करा के ठाकुर जी की एक लीला करवाई जाती है रक्षाबंधन पूर्णमासी के दिन।
आखिरी में हम मंदिर के राम दरबार में आए और देखिए ये है सामने राम जी की मूर्ति। और ये जो आप साइड साइड में पिलर देख रहे हैं ये वही पिलर हैं जो पूरे मंदिर को मिला के 284 पिलर्स हैं और ये पत्थर के बने हुए हैं। हमने आपको बताई उस मंदिर की विशेषता जो वृंदावन में एक साउथ इंडियन टेम्पल है, वृंदावन इस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं संजना सिंह कैमरा पर्सन रिजवान के साथ पत्रिका यूपी के लिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए पत्रिका यूपी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।